stopped. जय हिंद साथियों, आप सभी देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल को। जितने भी अभ्यर्थी हैं दौड़ने वाले, चाहे वो जीडी का दौड़ हो, दरोगा की दौड़ हो, इंडियन आर्मी की दौड़ हो या सिपाही की दौड़ हो, साथियों आप सभी अगर दौड़ना चाहते हैं और फोर्स की तैयारी करते हैं, बेल्ट की नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आप सभी को सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा सवाल रह रहा है कि हमें दौड़ना कैसे चाहिए। धूप में अगर आपका दौड़ हो या फिर दौड़ ऐसे टाइम में हो जहाँ पे आप भूखे हो, मतलब लेट हो गया हो, शाम में दौड़ाया गया हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे कैसे हम लोग दौड़ लगाएंगे। तो आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपको कोई भी मैदान में कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि आप सारे टेक्निक को जान चुके हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए कि आपको मतलब मेहनत करना है, और मेहनत के सामने सब कुछ फीका है, और मेहनत के साथ साथ टाइमिंग को भी फॉलो करना है। मान लो हमको धूप में दौड़ाया जा रहा है तो हमारी प्रैक्टिस धूप की भी होनी चाहिए, लेकिन पर डे नहीं दौड़ना है धूप में। बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, अगर आप पर डे धूप में दौड़ते हैं तो धूप में दौड़ने से पसीना ज़्यादा बहता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा पसीना निकलने से, और आपको पानी चढ़ाना पड़ जाएगा, हॉस्पिटल में आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है साथियों। अब क्या है कि जो अभी दौड़ है दरोगा का, SSGT का, रिसेंट में अग्निवीर का, ये लोग पूछ रहे हैं कि सर हम ग्राउंड में जब बहाली में जाएंगे तो जूता पहन के दौड़ेंगे या खाली पैर दौड़ेंगे। तो सबसे पहले साथियों मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जीवन में कोई भी बहाली की दौड़ हो, कोई भी बहाली की रेस हो, आपको ध्यान देना बस ये है कि प्रैक्टिस हमेशा जूता पे करना है। आप जहाँ भी दौड़े प्रैक्टिस कर रहे हो तो जूता होना चाहिए, और जूता अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। मान लो आप युद्ध लड़ने गए हैं और हथियार ही कमज़ोर रहेगा तो आप मारे जाएंगे, तो ऐसा काम नहीं करना है कि हम मारे जाएं। हमें जूता यानी हथियार बढ़िया चाहिए, और उसके बाद हमें जब ट्रायल मारेंगे, फाइनली टाइमिंग चेक करेंगे जिस दिन, उस दिन खाली पैर दौड़ेंगे हम। अगर मैं खाली पैर दौड़ूंगा तो हमारी टाइमिंग पता लगेगा, एक्चुअल टाइमिंग क्या है। जूता पे टाइम 10 से 15 सेकंड भागेगा, और खाली पैर टाइम भागता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं भागेगा। तो इसका ध्यान रखना है। आप सभी अगर टेक्निक से नहीं दौड़ते हैं तो देखो क्या होता है, पढ़ाई में आपने रिजल्ट दिया है, पढ़ाई में भी वही होता है कि जो सही से पढ़ता है, आप कम टाइम ही पढ़ो लेकिन सही से पढ़ो, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक लड़का क्या है, क्लास में गया, उसको लिख के लाया, यहाँ भी ला के उसी को फेयर कर रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यानी टेक्निक हर जगह ज़रूरी है। तो आप सभी इसी तरीके से दौड़ लगाएं, और दौड़ने के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है, बच्चा बोलता है सांस फूल रहा है, अरे यार दौड़ने में सांस नहीं फूलेगा तो किस चीज़ में सांस फूलेगा। हाँ दौड़ रहे हैं तो सांस तो फूलेगा ना, तो उसको मारने के लिए बीट का जूस पीना है। शुरुआती 10 दिन बीट का जूस पिएगा, और बीट का जूस जब पिएंगे तो आपको थोड़ा अजीब टेस्ट लगेगा, तो आपको लगेगा कि फिर मैं बगल से केला भी मार लूँ, मौसम्मी भी मार लूँ। मारोगे तो क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगा। मिक्स कभी मत करना किसी भी जूस को बीट के साथ, आपको सिंगल बीट का जूस पीना है और अच्छे से पीना है। और साथियों जूस तो आप पी ही रहे हैं, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा करेगा, वो फ़ायदा करेगा आपका खुद का मेहनत, आपका खुद का प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना है साथियों, मार्कोस टीम हमेशा आपके साथ है। आप एक बात ध्यान रखना कि मैं जो हूँ आपके लिए जिंदा हूँ, और मैं आपके लिए अपनी जान भी लगा सकता हूँ। बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब बात होगी मेरे हिंदुस्तान की। जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।